नमस्कार, आज हमारे सामने जो पावने हैं उनको तो सारा अपना पागल नगर पहचानता है। नमस्ते जी। नमस्ते साहब। हर चुनाव में आने से पहले जो भी सरपंच बनने को इलेक्शन में खड़ा रहता है वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, ये सोचकर पागल नगर वालों ने आपको चुन चुन के सरपंच बनाया। लेकिन पागल नगर वालों को निराशा मिली, आशा नहीं मिली, सबके सब लोगों के चेहरे उतरे हुए है। आपके राज्य में साहब ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम अपने गरीब चैनल स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलते। आज पागल नगर के हर घर में बड़ा रेडियो, लंबी लुंगी, आकुर धोती, नींबू की साबुन और नानी को गर्मा गर्म चार लगाए। पागल नगर के कोने कोने में मूंगफली वाले गर्मा गर्म दाने लेकर भेज डालते। हर आदमी के पास अपनी अपनी टोपी, सामान, रुमाल और घड़ी। आज हर आदमी पाँव में गर्म मोजे पहनता है, हाथ में नीला लाल लॉकेट बांधता है, मैट नगर जाने के लिए 3-13-9-18 नंबर की बस भी पकड़ता है, मजे से काली पीली में जाकर चुतियाबंदी भी करता है, नदी नालों में घूमकर और दावे से मैं कहता हूँ ये सब के सब आदमी पान सुपारी खाकर और दही समोसा चबाकर मजे की नींद ले रहे हैं। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ऊंचा हो गया है और मैं दावे से कह सकता हूँ सुबह आए आने आए जोर सबको बराबर लगाना पड़ता है। गए 15 सालों में एक भी मोजा, कोई सरफिरा सीधा शर्ट और उल्टा पैंट नहीं पहन पाता, कोई मैट ट्रेन से नीचे नहीं टकराता बल्कि कड़ी धूप में पत्थरों पे सो जाता है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब शराब की बोतलें बेच के चाय पी रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मैड़पना अपने गांव में है सर। लोग आज भी ट्रेन और बसों में सो के ही जाते हैं, राशन की दुकानों पर भी सो जाते हैं, बच्चे अभी भी पैंट गीली करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बेकारी हमारे पागल नगर में ही है सर। उंगली उठाने वाले उनकी उंगली कहीं ना कहीं लगा ही लेंगे। तुम्हें मालूम है मेरे सरपंच बनने के बाद पागल नगर में पढ़े लिखों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है और वह 17% पर जाकर अटक गई है। उदासी के मामले में पागल नगर नंबर 1 है, चूतियापंथी में भी नंबर 1 है सर। अब सिर्फ पागल नगर के लोगों ने खुद के कपड़े फाड़ना ही बाकी रह गया है क्योंकि मैटपना की हद 23% है, बेकार नगर में 25% है। और आज भी अपने पागल नगर में एवरेज कपड़े धोने की स्पीड 33% है। मिस्टर जाड़ पोंगे राव, पहले अपने बाल साफ करो और फिर मेरे सामने टकले होके बात करो। सर ये खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ टीम कंपनी की रिपोर्ट, ये बोलो तारा रारा टीम कंपनी की रिपोर्ट, ये फालतू टीम कंपनी की रिपोर्ट, चूतिया बस्ती टीम इंटरनेशनल और ये वर्ल्ड में सबसे घटिया किस्म की टीम कंपनी की रिपोर्ट। वर्ल्ड पागल कंपनी का कहना है सर, जो रिश्वत आपके चेले चपाटों को दी गई थी आप तक पहुंची नहीं और उसे आपके पालतू जानवरों को चारा समझ के खिला दिया गया, इसलिए उन्होंने काजू के डब्बे में हलवा भेजना कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है बेटे बिरयानी में कौन कौन से मसाले लगते हैं, बिरयानी खाते समय बोटी देख के नहीं खाओगे तो दांत कमजोर हो जाएंगे। क्या क्या मसाले लगते हैं सर, जरा खुल के बताइए। वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जनता को बता दूंगा। जनता आपको देख रही है सर, मजे से हंस भी रही है, बताइए बिरयानी में कौन कौन से मसाले लगते हैं। वो ऐसे नहीं बता सकता, एक बार मैंने बिरयानी बना ली तो 1000 लोगों को खानी पड़ेगी, बोटी कम पड़े या ज़्यादा पूरे 20 बड़े बर्तन लग जाएंगे। पहले विचायत केंद्र जाओ, वहाँ से 20 बड़े गंज तपेले 30 गमेले लाओ, बाद में हैदराबादी बिरयानी बना के बताता हूँ, 1000 रुपये खर्च करके आओ। अगला सवाल सर, सरपंच बनने से पहले आपके यहाँ कपड़े धोने, इस्त्री कराने, पालतू जानवरों को नहाने कौन कौन आता था?